दोस्तों मार्केट में फिर से एक जो मेगापिक्सल का जो लड़ाई है वो चलना स्टार्ट हो गया है। जी हाँ, एक समय था जिसमें बताया जाता था कि हमारे कैमरे में इतने मेगापिक्सल है, हमारे कैमरे में ये मेगापिक्सल है, लेकिन जब से Redmi का Note 7 Pro आके 48 मेगापिक्सल का सेंसर लेके आ चुका है, तब से मार्केट में फिर से ये रेस स्टार्ट हो गया है। इसी पर किसी ने और जानकारी भी मिला है कि 2019 के अंदर 100 मेगापिक्सल तक का कैमरा का सपोर्ट आपको मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों जानेंगे इसके बारे में विस्तार से। तो स्टार्ट कैसे करते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है टेक विद तिवारी जी। आज हम लोग बात करेंगे 100 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर के बारे में। तो चलिए डायरेक्ट आज मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों 48 मेगापिक्सल का सेंसर आने के बाद मार्केट में फिर से एक कैमरा का तरफ से बहुत ही अट्रैक्टिव ये ईयर देखा जा रहा है। जी हाँ, 2019 में आपको 100 मेगापिक्सल तक का सपोर्ट करने वाला मोबाइल मिल सकता है और इसमें बहुत सारा और फैसिलिटी इंक्लूड करके मिल सकता है। दोस्तों मार्केट में अभी स्नैपड्रैगन के द्वारा 6 सीरीज, 7 सीरीज और 8 सीरीज का जो डिवाइस यानी चिपसेट डिवाइस के साथ अटैच्ड है उसमें 192 मेगापिक्सल तक का सपोर्ट, अप टू 192 मेगापिक्सल तक का सपोर्ट मिल सकता है। जी हाँ, तो ये जो कैपेबल है अभी इतने मेगापिक्सल तक का सपोर्ट लेने के लिए। तो यहाँ पर जो जानकारी हमें मिल रहा है कि जट एक वहाँ पर सीनियर डायरेक्टर है जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में रहते हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि 100 मेगापिक्सल तक का सेंसर आपको 2019 में मिलेगा। चलिए इसमें ज़्यादा जानकारी तो अभी मैं दे ही रहा हूँ, इसमें और विस्तार से आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले जानना कैसे है कि ये जो काम कैसे करेगा। तो जैसे अभी नॉर्मल का जो सेंसर काम कर रहा है 12 मेगापिक्सल का पिक्सलेटिंग करके 48 मेगापिक्सल का सेंसर कर रहा, तो उसी तरीके से ये पिक्चर प्रोड्यूस करेगा 100 मेगापिक्सल के लिए। तो यहाँ पर ज़रूरत क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ ये है कि पहला एक ऐसा सेंसर होना चाहिए जो ये काम करे, दूसरा ये एक चिप सेट होना चाहिए कि जो ये सेंसर को सपोर्ट करे। तो यहाँ पर दोनों पर काम चल रहा है। तो यहाँ 100 मेगापिक्सल का जो सेंसर है फ़ोन में यानी स्मार्टफोन में डालने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत पड़ रहा है हम लोग को? सेंसर। इसके अलावा इस सेंसर को सपोर्ट करने के लिए दूसरा चीज़ जो चिप सेट होता है ये चाहिए, तभी मिला के सपोर्ट करके एक 100 मेगापिक्सल का सेंसर लेके एक डिवाइस आने वाला है जो कि प्रिडिक्ट ऐसा किया जा रहा है 2019 में आ जाएगा। थोड़ा पीछे देखते हैं दोस्तों तो आपको मालूम चलता है कि ऑनर, वीवो, ओप्पो और रेडमी ने अपना जो सेंसर यूज़ किया है, तो मतलब इसका कहने का यही सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर ये चिपसेट सपोर्टेड अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर देखने वाला बात है जो सेंसर यहाँ पर है सोनी का IMX586 और सैमसंग का GM/1, ये दो 48 मेगापिक्सल का जो सेंसर है इसको सपोर्ट करने के लिए ऑलरेडी मार्केट में चिपसेट अवेलेबल है। 675, P70 और आपको किरण 980 मिलता है, इस तरह से जो चिपसेट अवेलेबल है। इसके अलावा बताता हूँ कि स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर है 670, 675, 710, 712, 845 और 855 ऑलरेडी 192 मेगापिक्सल कैमरा का सपोर्टेड का उसके पास कैपेबिलिटी है, लेकिन उतना मेगापिक्सल का सेंसर होना चाहिए। अगर ये सेंसर अवेलेबल होगा तो ही इस चिप सेट के साथ अटैच होगा और उसका अपना काम कर पाएगा। अभी के लिए बात करूं तो 100 मेगापिक्सल का जो कैमरा का सेंसर है वो है सोनी के तरफ से, जिसका मेजर किया जाता है 53.7 mm × 40.mm। तो ये जो साइज है इसको फोन में लाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी क्योंकि ये फोन का साइज में आएगा नहीं। और इसका जो कीमत होता है 3 मिलियन इंडियन रुपीज है। जी हाँ, 4800 US डॉलर में इसका कीमत है, तो काफ़ी महंगा भी है ये और इस फोन में आएगा भी नहीं। तो दोस्तों मार्केट में अगर ये सेंसर अवेलेबल है तो अब मैन्युफैक्चरर को इसमें डिवाइड करना होगा कि कैसे इसको छोटा मैन्युफैक्चर करें और कैसे ये मोबाइल के डिवाइस के अंदर इसको इंस्टॉल किया जाए। तो पहला दिक्कत यही है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सारा प्लान किया जा रहा है। दोस्तों इतने हल्ला होने के बाद तो एक यूज़र जो है वो 48 मेगापिक्सल से कम का सेंसर चाह ही नहीं रहा अपने डिवाइस में। लेकिन आपको बता दें जो जो डिवाइस अभी ऑलरेडी अवेलेबल है 48 मेगापिक्सल के साथ उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आने लगे हैं, जैसे कि उसमें स्टोरेज का इशू आने लगा है, पावर कंजम्पशन का इशू आने लगा है। तो यहाँ से कुछ प्रॉब्लम भी है इतने बड़े जो सेंसर को यूज़ करने में एक डिवाइस में, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है उसको भी ध्यान में रखना होगा। ये मेगापिक्सल का जो लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया है ये हमें सो के सोचना होगा कि अगर ये गुड न्यूज़ है कि बैड न्यूज़ है, क्योंकि अपकमिंग जो डेज आने वाले हैं जो कि डिवाइस आने वाला है उसमें ये लड़ाई चलते रहेगी और हमको देखना है कि जो स्मार्टफोन का जो फोटोग्राफर होता है उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है ये जो नंबर ऑफ पिक्सल का जो खेल है इसको देख। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ काफ़ी कुछ जानकारियाँ दे दिया होगा ये 100 मेगापिक्सल का जो स्टोरी है इसके बारे में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा फ्यूचर में ऐसे अच्छे वीडियो के लिए। थैंक यू, बाय बाय, बी सेफ।